कैन गो, सही में जा सकते हैं क्या? हम तो जा रहे भाई, पता नहीं अब औरों का क्या होगा। लुक एट दिस ब्यूटीफुल टाउन ऑफ मार्फा, ओह माय गॉड। ऐसे भी रोड होते हैं क्या दुनिया में? इट्स सो डेंजर। अब यहाँ पे रुक के फोटो तो लेना चाहता हूँ मगर नहीं लूंगा मैं भाई। हवा देखो, ओ शिट, ऐसा लग रहा था पीछे से कोई धक्का दे रहा है मुझे। Good morning from Beni Bazaar. So, what's up people? This is Arjun here and once again welcome back to my YouTube channel, Desi Vlogger. So, kaise ho guys aap log? Hope ki aap sab acche ho and acche hi rehna. So, it's 7:27 in the morning. Nepal ke hisab se it's 7:42. So, here it's my black tea. Senorita ready ho chuka hai. Humne luggage ko mount kar diya hai. Matlab journey ke dauran na jab hum luggage mount karte hain na to haath ka huliya na dekhne layak hota hai. आज का दिन ना बहुत खास होगा। मैं एंटर करने जा रहा हूँ एक ऐसा जगह पर लाखों लोग का सपना है एंड हियर इज माय सेनोरिटा। राइड का चौथा दिन, फ्यूल टॉप अप करना है एंड एक्स्ट्रा जेरी कैन में भी लेकर जाना है बिकॉज यहाँ से आगे हमें फ्यूल पंप नहीं मिलने वाला है लगभग 90 किलोमीटर तक। दिस इज द बेनी बाजार एंड बेनी बाजार का ये है बस पार्क। पेट्रोल पम्प यहाँ पे छुप के बैठा हुआ है। पेट्रोल पॉइंट हो खादी कोई ऑयल मेरा 2 लीटर। ये ब्रिज कनेक्ट करेगा हमें इस पहाड़ से उस पहाड़। ये ब्रिज है ना, नाले समझ में नहीं आ रहे, पूरा पानी पानी है यहाँ पे भी। ओ ओ ओ स्लिप हो रहा था अभी। आराम से आराम से आराम से आराम से। डरावना सीन यहाँ पे आ चुका है। मैं राइट साइड होकर आगे निकलूँगा भाई, घातक है ये भाई साहब। चलो यहाँ से स्लिप मत हो भाई, या आराम से चलो या ये सही है। दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं तो फंसेंगे भाई, बुरी मौत। जल्दी निकलो यहाँ से, ऊपर से पत्थर भी आ रहे हैं। गाइस या टाइम अपडेट, इट्स 8:23 इन द मॉर्निंग एंड लाइक आई एम गोइंग टू हैव माय ब्रेकफास्ट ओवर हियर। अंकल ये ठाउँको नाम चाहिँ के हो? नयाँ बैसरी। नयाँ बैसरी जलेसर भन्दा माथि नयाँ बैसरी। सो आई मिन बैसरी एन्ड हम यहाँ पे कर रहे अपना ब्रेकफास्ट। आज का डे था ये हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए कुछ ऐसा है सीन। ये गुगुनी, मटर गुगुनी एंड रोटी एंड एक बॉयल एग लेंगे एंड ये गाइस। मेरा हुलिया मत देखो ठीक है, कि भाई हम कैसा दिख रहे बोल के। अब सफ़र के दौरान ये तो अक्सर होता है एंड लाइक मेरा लंबे बाल के कारण ना और भी मतलब क्या बोलते हो। चलो अभी तक मुझे थोड़ा सही ब्रेकफास्ट मिला इतना दिन। बहुत दिनों बाद मुझे यहाँ पे चलो कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट करने का मिला एंड हम एक बार फिर से कहेंगे इसको द वॉरियर। हमने नाम रख दिया है भाई ये ट्रैक्टर का द वॉरियर ट्रैक्टर बोल के। एंड दिस इज माई फर्स्ट वाटर क्रॉसिंग टुवर्ड्स मुक्तिनाथ। भाई प्रे कर रहा हूँ कि बूट ना भीगे, बूट भीगने पर वाट लगना है भाई अपना। चलो फिर आराम से चलते हैं। ओके ओ ओ ओ ओ या ऑलराइट, आई एम डन। वंस अगेन छोटा सा ऑलराइट। मस्तांग आके ये नहीं किया तो फिर क्या किया? या आई कैन डू इट ब्रो, डोंट वरी, आपको देसी ब्लॉगर कर लेगा, बस आप मशीन ना चलाओ। ये तो फ्रेश कटिंग है भाई, हम फंस गए क्या? ओ या चलो 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 या आई एम डन। बाप रे बाप, मज़ा आ गया। अब क्या हुआ यहाँ पे? सो ऑलराइट गाइस, यह टाइम अपडेट, इट्स 10:16 इन द मॉर्निंग एंड यहाँ के हिसाब से मतलब 10:30 हो चुका है और आधा घंटा हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि रोड का काम चल रहा है भाई। और उसके चलते एक्चुअली मुझे पता नहीं था यहाँ पे ना मतलब 8 बजे से लेकर 11 बजे तक रास्ता बंद है, रोड ब्लॉक है एंड लाइक 11 बजे से 1 बजे तक खुला रहेगा एंड लाइक 1 बजे से 4 बजे तक
तो उसके चलते यहाँ पे लगभग डेढ़ घंटा हो चुका है हमारा। अब ये देखो गाइस, मतलब यहाँ पे बैठ के चाय के चुस्के लेने का ना मतलब मज़ा ही कुछ और है। हालांकि शायद आपको साउंड अच्छी तरीके से सुनाई नहीं दे रहा हो या काम वहाँ पर चल रहा है, एंड अभी और आधा घंटा हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। तब तक यार चाय के चुस्के लो एंड लाइक मज़े करो, क्या करते हो। पूरे डेढ़ से दो घंटे के बाद ये जाम खुला हुआ है। ये देखो यहाँ पे काम चल रहा था। चलो आराम से भाई, आराम से। ये बाइक को देखो जबरदस्ती जा रहा है भाई। वो गाड़ी फंस गया वहाँ पे। चलो हम भी आराम से चलते। गाड़ी फंस चुका है वहाँ पे फिर से। भाई साहब बहुत ही डरावना है ये। ये गाड़ी फंस गया, ये भी ये ट्राई कर रहा है फिर। चलो चलो चलो, ओ ओ ओ ओ, कुछ ऐसा है यहाँ पे सीन। चलो हम निकल जाते भाई। ओह माय गॉड, एंड टाइम ऑफ द डे इट्स 11:06 इन द मॉर्निंग। यहाँ पे हम पहुँचे थे 9:15 को। सोचो लगभग दो घंटा का ब्रेक यहाँ पे होता हुआ। वाओ, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। मुझे तो मज़ा आ रहा है भाई, आपको देख के पता नहीं कैसा लग रहा है। और ये देखो छत, अब बारिश गिरने पर भी हम नहीं भीगेंगे यहाँ पे। आराम से भाई, आराम से, आराम से, आराम से। भाई साहब ये देखो, ओह माय गॉड। चलो आराम से, आराम से, आराम से। ये देखो डरावना है ये भाई। आराम से जाओ भाई, काफ़ी रिस्की है ये। उस तरफ तो मुझे देखना ही नहीं, राइट तरफ। ये है काला धूल, पूरे मिट्टी काले है तो काला धूल इसका नाम हमने दे दिया है। आज इनका नामकरण हो चुका है अभी अभी के अभी, देसी व्लॉगर के चलते। अगर कोई आएगा और आप बोलोगे किसने आपका नाम रखा काला धूल बोल के, तो आप बताना। कोई आया था देसी व्लॉगर कहकर गया था और हमारा नाम रख के भी चला गया। ओ, ओ, और ये काला पानी, काला धूल, काला पानी, वाड़े कॉम्बिनेशन गाइस, ये सही नाम है इनका। भाई साहब कहाँ से जाए, कसम से भीगना पड़ेगा लग रहा है मुझे तो। ना इधर से जा सकते, चलो अब सोचना नहीं है, बस डालना है। ओ ओ, ये अभी तक तो बहुत ही अच्छा राइड जा रहा है हमारा इन ऑफ रोड में भी। गजब गजब, आई लाइक इट, वाओ खूबसूरत गाइस। ये देखो, और नज़दीक से दिखाते हैं हम आपको ये। ओह माय गॉड, बहुत ही भयानक है ये। दिस इज मुस्तांग, असली एडवेंचर। ऐसे भी रोड होते हैं क्या दुनिया में? इट्स सो डेंजरस भाई साहब। और ऊपर से यहाँ पे बैरिकेड भी नहीं है भाई, यहाँ से फिसलाना तो फिर सीधा। ओ ओ ओ ओ, What I am experiencing now is like it's now or never. Mustang आसान नहीं है पहुँचना। रीजन देखो यहाँ पे, इट इज नॉट ईजी। अब यहाँ पे रुक के फोटो तो लेना चाहता हूँ मगर नहीं लूँगा मैं।
चल 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 आराम से चल, आराम से चल या ओके। जितना आगे जा रहा हूँ ना उतना इस किस्म के पैचेस यहाँ पे मिल रहा हमें। और कितना टेस्ट लोगे हमारा जाने वन। आराम से आराम से या ऑलराइट। ओ ओ ओ ओ ये देखो अभी जो पैचेस हमने क्लियर कर गया ना, कसम से बता रहा हूँ लद्दाख से भी डेंजर है, मुझे डेंजर है, मुझे ऐसा लगा। अब आपको बताने जो मैंने एक्सपीरियंस किया वही हम बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। लद्दाख में भी इस तरीके का टेरेन तो नहीं था यार। ये देखो भाई काम चल रहा है, फिर मिट्टी फोड़ने का, पत्थर फोड़ने का। ओह माय गॉड मुझे ये वाला सेक्शन जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है, मगर ख़त्म ही नहीं हो रहा ये। चलो थोड़ा सा राहत का सांस मिला अभी। गाइस यहाँ पे ब्रेक लेते हैं यार, वाटर ब्रेक, वाटर ब्रेक जरूरी है। गाइस अगर आपको ठंड लगता है ना तो आप पानी पियो, वो भी गर्म पानी नहीं ठंड पानी, तब आपका ठंड गायब हो जाएगा। क्या कहते हो गाइस? ओह माय गॉड सो फार सो गुड। और अभी ना हार्डकोर लेवल वाला अभी हम ऑफ रोड करके आए गाइस, आपको बता दूँ, आपने भी देखा होगा यार, मतलब पिछले 10 मिनट का जो टेरेन था ना वो मतलब बहुत ही कमाल धमाल बवाल डेंजरस था भाई, बहुत ही रिस्की था। और मैं ये भी बता रहा हूँ आपको, लद्दाख से भी डेंजर मुझे ये वाला जो अभी सेक्शन हमने क्रॉस करके आया ना ये लगा, सही बता रहा हूँ गाइस, दिल से बता रहा हूँ, आप मानो या मानो। मतलब यार और कितना इम्तिहान लेगा हमारा मुस्तांग पहुँचने के लिए यार। ओह माय गॉड। और वहाँ पे हम रास्ते तो दिखा दे रहे, ये ऊपर 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 कहाँ तक जाएगा वो भी पता नहीं, बस मुझे देख के बात करना पड़ेगा संभाल कर, क्योंकि नीचे कुछ ऐसा ही है। तो चलो 10 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सो फार सो गुड गाइस, सो फार सो गुड। दार्जिलिंग बड़ा हजार भ्याक्सिन कार्ड छ, पर्मिट चाहिँ यहाँको चाहिन्छ, भन्सारले हुँदैन मलाई त, अन्त यो भन्सारले त जानु सक्छ भन्ने त मलाई, उहाँ काक्रो ए दुइटासँगै जानु होला हजुर, विदेशी हुन् सँगै पर्मिट पनि बनाएर जानुपर्छ है, ए यहाँबाट चाहिँ पर्मिट बनाएर जानु पर्यो। अच्छा अच्छा हजुर हजुर हुन्छ हुन्छ, अरू त सबै छ कि। राइट गाइस आपको यहाँ पे एन्ट्री गराउनु पड़ेगा, अगर हम पोखरा से काट के आते ना तो ये चीज़ यहाँ पे नहीं लगता और 1000 रुपये में होता, अगर यहाँ पे आके हम तो पोखरा स्टेक किया ही नहीं तो कैसे परमिट बनाए, तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा लगा मुझे। सो इट सेज नेशनल ट्रस्ट फॉर नेचर एंट्री परमिट नंबर डेट नेम एंट्री फ्री रिसिप्ट 2000 रुपीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये चीज़ अगर हम पोखरा में करते ना तो ये लगना नहीं था भाई, 1000 रुपये एक्स्ट्रा, मगर क्या करें आप। हाँ हजार हजार हुन्छ टाइम अफ द इट्स 12:50 इन द आफ्टरनून, लगभग 2 बजे के करीब हम पहुँचेंगे अगर इस तरीके का ही राइड रहा तो। फिर देखो दादा
मार्फा कति टाढा अझै अझै आधी घन्टा और अंकल जी और भैया जी का कहना है यहाँ से मार्फा मोर हाफ एन आवर आधा घंटा तो हम चला लेंगे तो शायद आज का मेरा रुकना मार्फा में होगा फिर भी देखते मार्फा जाके अगर वेदर ठीक ही मिला तो फिर हम जमसम हिट कर देंगे आज ही भाई स्नोफॉल धीरे धीरे बढ़ रहा है मेरा आँख में लग रहा है सीधा ओ भाई अभी तो लग रहा है मुझे रेनगियर निकालना पड़ेगा यहाँ पे नहीं होगा अरे रेनगियर निकालूंगा तो फिर सब निकालना पड़ेगा यार मुझे थोड़ा आगे जाएंगे और ये देखो ग्लोव्स पर ओ माय गॉड ये देखो आपको दिख रहा है कि नहीं खतरनाक खतरनाक देखो ये देखो ग्लव्स ये जगह का नाम कौन सा है पूछना पड़ेगा कौन था वो ये मार्फा कति टाड़ो 15 मिनट गाइस पता नहीं कोई 10 मिनट कोई 15 मिनट गाइस या दिस इज़ दी मार्फा एप्पल फार्म बहुत ही बड़ा ही है एंड बहुत ही खूबसूरत खाना में के छ अरू केही छैन चाउचो अन्डा हुन्छ हुन्छ बनाइदिनुहोस् न ल राइट नाउ आपका भाई पहुंच चुका है मार्फा में एंड मार्फा में ये देखो क्या खा रहा है वंस अगेन वाई वाई अंडा एंड काफ़ी ठंड लग रहा है यहाँ पे गाइस मतलब ओह माय गॉड एंड अभी हम मार्फा एप्पल फार्म के ठीक ऑपोजिट साइड में यहाँ पे रुके हुए हैं खाने के लिए काफ़ी भूख सा लग रहा था एंड यहाँ पे चूल्हे को देखो गाइस बहुत ही प्यारा लग रहा है तो चलो फटाफट खाते हैं लाइक और मैंने यहाँ पे पूछा तो बोला यहाँ से जमसम हो जाएगी 47 किलोमीटर टू गो एंड रोड कंडीशन भी ऐसा है तो प्लान ये कि अभी जमसम हम यहाँ से निकलेंगे फिर देखिए ये के को अंकल या को अच्छा लेकर एंड हमने ये फैसला कर लिया कि हम जमसम में ही रहेंगे बोल के आज हमारा स्टे होगा जमसम और आधा घंटा का राइड होगा हमारा अच्छा खासा तो चलो हमने मन बना लिया था कि भाई हम जमसम में स्टे करेंगे तो वो हो पाएगा मैंने सोचा था मार्फा में सोचना पड़ेगा आगे बढ़े कि ना बढ़े बोल के ये स्नोफॉल के चलते हालांकि अभी भी यहाँ पे स्नोइंग तो हो रहा है मगर उतना ज़्यादा नहीं मार्फा विलेज या दिस इज़ द मार्फा विलेज होकर हम अभी गुजरेंगे ठीक है सीधा वहाँ पे निकलेंगे हमें कनेक्ट करेगा ये अब आए हैं तो मार्फा हम आपको देख कर भी जाएंगे और हमारे भाइयों को भी दिखा के जाएंगे क्या बोलते हो भाई रास्ता ख़त्म है क्या ओ नहीं सोचे थे रास्ता ख़त्म हो गया क्या बोल के वी कैन गो सही में जा सकते हैं क्या हम तो जा रहे हैं भाई पता नहीं अब औरों का क्या होगा और आंटी जी तो कह रहा था बाइक जा सकता है तो बड़ा गाड़ी नहीं जा सकता है रीज़न शायद वही होता होगा जो अभी हम गेट होके आए ना मगर कोई कुछ तो नहीं कहेगा ना यहाँ पे ओह यहाँ पे भी कुछ ऐसा ओह माय गॉड इट्स सो ब्यूटीफुल यार इट्स सो ब्यूटीफुल इट्स सो डैम ब्यूटीफुल गाइस आई एम लविंग इट ये कुछ मैं अलग ही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ यहाँ पे गाइस लाइफ में पहली बार कुछ ऐसा ओह माय गॉड एक भी यहाँ पे लोग मुझे नहीं दिखाई दे रहा अभी सही बता रहा हूँ मैं पता नहीं लोग भी रहते कि नहीं यहाँ पे लिखा तो है होटल माउंट विला बोल के मगर शायद सारे अंदर होंगे ठंड के कारण और जो भी बोलो व्हाट आई एम एक्सपीरियंसिंग इज लाइक इट्स अ टॉप ऑफ द वर्ल्ड हेलो वाह मार्फा हजुर चाहिँ त केही चाहिँदैन कि हेरेको नि मन पर्यो अब यो यहाँ फार्महरू त्यहाँ देखेको अच्छा अच्छा एप्पल लेना चाहिए था मुझे एप्पल लेंगे सोचे थे मगर फिर से हमने मन बना लिया कि नहीं लेंगे बोल के जसरी
Look at this beautiful town of Marfa. Oh my god. कसम से यार लाइफ में ना ऐसा एक्सपीरियंस हम पहली बार कर रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब आपने कभी चलाई हो ऐसे पैचेस पर गाड़ी को, बताओ मुझे। ये देखो आपका भाई देसी ब्लॉगर चला के दिखा रहा है आपको। ओह माय गॉड या दिस इज द मॉनेस्ट्री आई थिंक सो। और काफ़ी सारे यहाँ पे लॉज हमें दिख रहा है, यहीं पे भी हम स्टे कर सकते थे मगर नहीं करेंगे, हम जुमसू में हिट करेंगे। इससे क्या होगा, कल जल्दी मुक्तिनाथ हो आएंगे हम। ओ ओ ओ, ओ, ओ। या ओके ये देखो कहाँ आए हम, ये पूरे के पूरे एप्पल फार्म है। अभी बोल रहे थे कटिंग वगैरह चल रहा है। बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये मुझे। ओह वंस अगेन दिस स्मॉल एंड टाइनी गेट, ये देखो। ऑलराइट ओम मणिपुर में हूँ लिखा हुआ है वहाँ पे। और अभी मुझे जाके वो हाईवे पर कनेक्ट करना है। आई एम एंटरिंग द पैराडाइज ऑफ नेपाल मुस्तांग। ओ ओ ओ भाई रोड कहाँ है, नीचे से चलते भाई, काफ़ी गड्ढा लग रहा है ये पानी। या और रोड बनाए भी यहाँ पे। कहाँ है रोड, कहाँ से जाए ऊपर नीचे, इधर तो नहीं होना चाहिए, इधर ही होना चाहिए शायद। आई हैव रीच द लुकला एयरपोर्ट, ऐसा है क्या पता नहीं, हमने अच्छा ठीक है। मुझे यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है, ये हेलीपैड है या एयरपोर्ट है, एक बार कंफर्मेशन, एक बार कंफर्म। या दिस इज द एयरपोर्ट, लुकला एयरपोर्ट। ओह माय गॉड लुकला एयरपोर्ट जंक्शन। ओह माय गॉड या एंड अभी ना मतलब लद्दाख लद्दाख का अभी वाइस आ रहा है मुझे, सही बता रहा हूँ, ये बंजर पहाड़ देख के। आई थिंक वी हैव रीच जुमसुम, मगर प्रॉपर मुझे जुमसुम बाजार होना है अभी। या काक भी नहीं हिट कर दे यार, मतलब अभी तो और भी आगे जाने का दिल कर रहा है मुझे, जितना आगे आ रहे हैं ना उतना आगे जाने का दिल कर रहा है। ये देखो बस, सो जुमसुम एयरपोर्ट। या ऑलराइट, मगर इनके मतलब बाजार के मार्केट से बीच में से अगर हम गुजरते ना तो कुछ ऐसा आपको रोड पैसेस मिलेगा, मतलब सिर्फ पत्थर ही पत्थर। चलो भाई ये अलग ही दुनिया में हम पहुंच गए अभी, मतलब आफ्टर मारफा ना, आफ्टर मारफा कुछ ऐसा ही सीन हो रहा है यहाँ पे। सो राइट गाइस, जो परमिट हमने बनाए थे वो नीचे, वो अभी यहाँ पे एंटर करना पड़ रहा है। हजर हजर एकले मेरा आज 4 दिन होते सर, 4 दिन वाले या 4 दिन यहाँ से मैं पुगनु था। हजर माथिको चिसो छ अलि विचार गरेर जानु होला, अलि चाहिँ हाई लाग्छ, हाई लागेला नि हजुरको दार्जिलिङ पनि यतिकै त होला नि, दार्जिलिङ पनि चिसो त यतिकै हुनु त। हजर किनभने All right guys, yeah. तो चलो आगे बढ़ते,
प्लान में था जुमसुम बैठने के लिए, एंड ये देखो आपका भाई क्या कर रहा है, अभी यहाँ से हिट कर रहा है सीधा कागबेनी के लिए। कागबेनी यहाँ से कितना किलोमीटर, और मोटा मोटी 12 किलोमीटर होता होगा क्या। कागबेनी मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बचेगा मेरा कल को लेकर, क्योंकि कल मेरा प्लान है सीधा पोखरा हिट करूँगा, मगर अब तो उसके चलते मैं यहाँ से और करीब मुक्तिनाथ का हो जा रहा हूँ। गाइस इजंट इट अ सैंड स्टॉर्म, ऐसे लग रहा है बहुत ही ज़्यादा धूल दिखा दे रहा है वहाँ पे। या इतना तो आप जान लो गाइस, मुक्तिनाथ पहुँचना इतना आसान नहीं है भाई, आपका बहुत ही एडवेंचर लेवल टेस्ट होगा यहाँ पे। आप सफल रहे तो फिर आप मुक्तिनाथ। ऐसा ऐसे पैचेस होकर हम अभी गुजरे हैं ना आज पूरे दिन भर में, वो मुझे ही पता है भाई। हवा देखो, ओ शिट, देख रहे हो, ओ माय गॉड, ऐसा लग रहा था पीछे से कोई धक्का दे रहा है मुझे, सही बता रहा हूँ मैं। गाइस इट्स पांगलिंग फाल्की, हम जा सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे भी थोड़ा आगे तक चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। वैसे दिखाना तो कुछ नहीं है भाई, यही देखो, और पानी का कलर देखो, कहीं पे हरा, कहीं पे डीप हरा, कहीं पे लाइट हरा, मतलब कुछ ऐसा सीन यहाँ का। ओह माय गॉड, खूबसूरत, आई लाइक इट ब्रो, मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलने के लिए, मतलब गाड़ी तो नहीं चला रहा मैं, खुद चल रहा हूँ, ठीक है। सो सॉरी, हमने हो ये देखो, ये हिल रहा अभी, लिटरली इट्स शेकिंग लाइक एनीथिंग भाई। पागलों की तरह हम यहाँ पे आए तो हरकत भी वही करेंगे ना, पागलों की तरह। ओह माय गॉड, जन्नत जन्नत है ये जन्नत। आई एम अबाउट टू रीच कागबेनी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पढ़ना पड़ेगा। कागबेनी लेफ्ट, यानी कि जो मैंने देखा था वो, एंड मुक्तिनाथ के लिए हम कुछ जाना पड़ेगा यहाँ से आगे की ओर। तो आज हमारा स्टे होगा, ओ माय गॉड, ये देखो धूल देख रहे हो। चलो हम सही क्या यहाँ पे रुके, नहीं तो हमें वहाँ पे मिल रहा था ये धूल। ओ ओ ओ ओ ओ ओ, तो लो जी भाई, आपका भाई पहुँच चुका है कागबेनी, एंड अब यहीं पे कहीं हमें देखना पड़ेगा आज का स्टे के लिए, रूम बुक करना पड़ेगा। तो ये पहला घर में पूछते अगर है तो, यहीं पे रुकेंगे अब, ज़्यादा गाड़ी को नहीं भगाने का गाइस, बस रूम लो और बैठो। यहाँ पे पूछते अन्नपूर्णा होटल स्पेशल ऑर्गेनिक, ओहो ये तो बंद पड़ा हुआ है भाई, बैड लक, और आगे चलते फिर भाई, ऐसा ना हो पूरा काग भी नहीं बंद पड़ा हुआ है। मुक्तिनाथ ये ऊपर भाई, ये देखो कहाँ चला रहे हम गाड़ी। ओह माय गॉड, कैसे जाए और कहाँ से जाए, ये क्या, ये देखो खूबसूरत। ओ माय गॉड, हवा देखो भाई, कहाँ आए हम सब। ओहो क्या ये होटल मुस्तांग गेटवे, पता नहीं यहाँ से होता होगा।
चलो पूछते हैं यहाँ पे।